नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक से प्रतिमा हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक पर जो प्रतिमा हटाई गई थी, उस स्थान को भी तोड़कर गिराया गया है, जिसके चलते संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रतिमा स्थल को गिराए जाने का विरोध किया एवं ठेकेदार के द्वारा भेजे गए मजदूरों को प्रतिमा स्थल तोड़े जाने से रोका। शहीद मदन लाल ढींगड़ा संघर्ष समिति के प्रधान मेहताब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संघर्ष समिति द्वारा जिला उपायुक्त को प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु ज्ञापन पर कोई गौर ना करते हुए आज शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक पर जो प्रतिमा हटाई गई थी, उस स्थान को तोड़कर गिराया गया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पहुंचकर प्रतिमा स्थल को गिराए जाने का विरोध किया एवं ठेकेदार के द्वारा भेजे गए मजदूरों को प्रतिमा स्थल तोड़े जाने से रोका। इस मौके पर उनके साथ शहीद मदन लाल ढींगड़ा संघर्ष समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। यहां हम आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के सामने शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक स्थापित किया गया था, जिस पर अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा प्रतिमा स्थापित की गई थी, परंतु नए बस स्टैंड का नाम शहीद मदन लाल ढींगड़ा रखे जाने पर वहां पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा लगाई जानी है, जो कि यहां से उखाड़ कर वहां लगाई जाने की बात की जा रही है, जिसका संघर्ष समिति लगातार विरोध करती आ रही है। इसी कड़ी में गत दिनों विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को ज्ञापन देकर शहीद की प्रतिमा को दोबारा यहीं पर स्थापित करने की मांग की गई थी, परंतु अचानक भारी बारिश के दौरान ही मूर्ति स्थल को गिराए जाने से शहीद मदन लाल ढींगड़ा संघर्ष समिति के सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि शहीदों का सम्मान करते हुए यहां पर दोबारा से शहीद मदन लाल ढींगड़ा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हमने ज्ञापन दिया था डीसी साहब को, हमने मदन लाल ढींगड़ा जी संघर्ष समिति बनाई है, जिसमें हमें पता चला था, हमारा मुद्दा ये था कि उनकी प्रतिमा यहाँ से उखाड़ी गई है और ये प्रतिमा वापस लगाई जाए। दो दिन पहले हम ये ज्ञापन दे के आते हैं उनको, और आज बारिश में इन्होंने यहाँ पे हथौड़े चलाने शुरू कर दिए। जो नाम चिन्ह बचा हुआ था, ये आज उसको भी उखाड़ना चाहते थे। हमने यहाँ टाइम पर आके इसको काम को रुकवाया यहाँ पे आके। हमारी यही मांग है कि हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसको दोबारा लगाया जाए, और वो चाहते हैं जो यहाँ चिन्ह बचा हुआ है उसको भी उखाड़ दिया जाए। फाइटर के भी दो दिन बाद 15 अगस्त मनाई जानी है, शहीदों को भी इसमें सलामी दी जानी है, स्वागत भी किया जाना है, और ये दो दिन पहले शहीदों के प्रतिमा को तोड़ के उनका जो प्रतिमा का स्टे हुआ है, जो बोलते हैं इसको फाउंडेशन, उसको भी तोड़ रहे हैं। ये तो सरकार के पार्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर बहुत गलत पार्ट है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और फिर सरकार से मांग करते हैं कि मदन लाल ढींगड़ा की मूर्तियाँ लगाई जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।